राउंड टेबल इंडिया फाउंडेशन की तरफ तो साढ़े को पहुँचे ने नुमाइंदे, इन्हां नाल गल करदे आ की कहना चाहते ने ते जो ये कमरियां दी उसारी लई अज इत्थे पहुँचे ने नींह पत्थर लई पहला भूमि पूजन की करना है, उस तो बाद जो अगली कार्रवाई वह होनी है। सो असी नाल गल करदे आ कि जो ये कार्ज है सिर्फ कल्ला खिजराबाद दे विच ही रखा गया या होर भी किते इहो जिहे कार्ज तुसी कर रहे हो, थोड़ी फाउंडेशन कर रही है, सर जी की कहना चाहते हो तुसी? देखिए सबसे पहले तो मैं आज का जो ओकेजन है उसको मार्क करना चाहूँगा। राउंड टेबल इंडिया के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, ख़ास करके जो हमारा एरिया है एरिया 18, क्योंकि अभी तक अपने इतिहास में पहली बार हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट किंग्स 11 पंजाब के साथ करने जा रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं, मैं अकेले ही नहीं, हमारी पूरी संस्था जो NGO फाउंडेशन है राउंड टेबल इंडिया का, हम सभी लोग मिलकर उम्मीद करते हैं कि ये एक शुरुआत है, नहीं हम इसको एक इकलौते प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे हैं। जो यहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हैं श्रीमती इकबाल कौर जी, उनका बहुत सहयोग रहा है हम लोगों को, जिसके कारण हम लोग आज इस मुकाम पे खड़े हो पाए हैं कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी राउंड टेबल की संस्था है ये एक पूरी की पूरी NGO है, सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा उद्देश्य पूरे देश भर में यही है कि हम बच्चों के लिए क्लासरूम बनाएं। आपके स्कूल के साथ आज जुड़े हैं हम, 4 क्लासरूम का ब्लॉग बना रहे हैं, हम आशा करते हैं कि बहुत ही सुंदर क्लासरूम निकल के आएंगे, और जो बच्चे पढ़ेंगे उन क्लासरूम्स में उनको पढ़ाई का मज़ा भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे और भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बद्दी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग साथ में कर रहे हैं, बट पंजाब किंग्स 11 पंजाब की टीम के साथ ये पहला प्रोजेक्ट है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम किंग्स 11 के साथ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते रहें। जैसे ये आप खिजराबाद में पहुंचे हो यहाँ पे, अगर आपको कोई और भी किसी को डोनेट करना हो ऐसे रूम, आपकी आज जो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो वायरल होगी, आगे लोगों तक जाएगी, वो देखेंगे, आपको बुलाना चाहें, ऐसी आपसे सुविधा लेना चाहें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मुझे लगता है कि डोनेट एक सही शब्द नहीं है हम लोगों के कार्य को संबोधित करने के लिए। हम खड़े हैं, किसी को भी ज़रूरत होती है क्लासरूम की उनकी मदद करने के लिए, अगर कहीं पर भी कोई भी शिक्षा संस्था है, कोई स्कूल है जहाँ पे दिखता है कि क्लासरूम्स की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम आवश्यक, हमारा उद्देश्य यही है कि हम क्लासरूम्स बनाएं। अगर कहीं पे ज़रूरत है क्लासरूम्स की, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्लासरूम्स कंजेस्टेड हो रहे हैं, या सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, क्लासेस बढ़ गए हैं, टीचर्स अधिक हो गए हैं और क्लासेस की ज़रूरत है, तो हम ज़रूर क्लासरूम बनाएंगे। वो मैं वैसे तो पूरे देश भर में हम लोगों का यही उद्देश्य है, पर क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ ट्राई सिटी को देखते हैं, तो यहाँ पे आसपास के इलाकों में कहीं पर भी कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, जिस जहाँ पे क्लासरूम की ज़रूरत है, तो हम मदद करने के लिए खड़े हैं। ओनली स्कूल रूम्स बनाने के लिए ही आपकी NGO काम कर रही है, या कोई और भी लोगों में विचर रहे हो आप, लोगों को हेल्प कर रहे हो किसी और तरीके से? सर जहाँ तक मेरी समझ कहती है, इस देश में आज की तारीख में बहुत सी संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करके लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। जहाँ तक राउंड टेबल इंडिया का सवाल होता है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है पूरे देश में, वो है क्लासरूम बनाना। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़रूरत है क्लासेस की, जहाँ पे अंडर डिलीवरी हो चुकी है क्लासेस की, वहाँ पे हम क्लासरूम्स बनाएंगे। थैंक यू सर, माय प्लेजर। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिजराबाद दे विच मौजूद हैं जी, जिथे मैडम इकबाल कौर की अगवाई दे विच बहुत ही चंगे कार्ज किए जा रहे हैं। पिंड नुमाइंदे पिंड दे सरपंच साहब राणा कुशलपाल जी ते विक्की बांसल जी ते मैं सरपंच जसवीर कौर जी, ब्लाक समिति मैंबर संदीप कौर, काफ़ी नुमाइंदे इत्थे मौजूद ने। ते इस टाइम असी गल करते हैं जसवीर जी नाल। मैम जिवें थोड़े इत्थे रॉयल फाउंडेशन वालों नवे कमरे उसारे जा रहे हैं, इन्हों लेके थोड़े मन दे विच की उत्साहत है ते की मैसेज लाना चाहते हो तुसी होर नगर निवासियों? वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन की भी साड़ी पंचायत बनी है तो इन्हों असं देखते ही मैडम नूं इकबाल कौर जी ने काम बहुत स्कूल दे वधिया करवा रहे हैं, पहला भी करवा रहे सी, जाने कि साड़ी देखने दा देख लो स्कूल कित्थे ते कित्थे पहुँच गया। इन्होंने किन्नी मेहनत करके मतलब पता नहीं कितों कितों पैसा भी इन्होंने इकट्ठा करते हैं, तो हुण भी चार कमरियां दी जो उसारी करनी है उन्होंने वास्ते इन्होंने उन्होंने धन्यवाद करना है, तो मैडम का भी असं धन्यवाद ही करते हैं। राणा कुशलपाल जी हो गए, बिक्की बांसल जी हो गए, इन्हों का बहुत व्डा इस स्कूल देन है, इन्हों के सहयोग न ही इस स्कूल इतने तक पहुँच सके आए, इन्होंने ही यह योगदान बहुत पाते रहेंगे, हर टाइम जो भी मैडम बुलाते हैं तो उदों ही जिते भी कहें उत्थे ही खड़ते हैं। बाकी मैडम का भी बहुत व्डा धन्यवाद है जो इस स्कूल में कितों तो कितने तक इन्होंने पहुँचा दिता। जिमें सरपंच साहब ने दसिया कि मैडम इकबाल कौर इस स्कूल नूं अरसा तो फर्श तक लैके गए ने, सुनने विच आया कि कई स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मैडम जी की जो अज की इत्थे दी कारगुजारी है इन्हों देखते हैं, बहुत सारे मापिया ने यह निर्णय लिया है कि असीं पढ़ाउणा तां सिर्फ इकबाल कौर मैडम जी की रहनुमाई दे विच असीं स्कूल च पढ़ाउणा। सुनने च आया 10 बच्चों के करीब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हट के स्कूल दे विच एडमिशन ले चुके ने, सो असीं गल करदे हां मैडम जी की कहना चाहुंदे हो, तुहानूं एप्रीशिएट किया जा रहा नुमाइंदे खड़े ने पिंड दे ते तुहाड़े मन विच की बलबला इस चीज़ नूं लैके। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो मैं मैडम का शुक्रिया गुजार करती हाँ, उन्होंने स्वागत भी करती हाँ, ये तो उन्हें ग्रेटनैस है, उन्होंने महानता है, ये सब जी सब के सहयोग नाल है, मैडम सरपंच मैम दे इलाका निवासियों के बिक्की बंसल जी कुशलपाल जी तो मेरा स्टाफ, इन्हों सब का सहयोग है जे असं इस मुकाम से स्कूल में लैके आए हैं। तकरीबन 50 तो ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों तो इस स्कूल में आए हैं, तो उस दे लई सब का सहयोग, इन्हों की मेहनत, मेरी स्टाफ की अणथक मेहनत है जिन्हां ने दिन रात एक किया इन्हां बच्चों नूं एक मुकाम ते पहुँचाण दे लई। हुण अज स्कूल विच हर फैसिलिटी है, असी जिहड़ा है मेरा यही है कि जिहड़ा आपां इन्ना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया है, इलाका निवासी इस चीज़ का फायदा उठाउण कि अपने बच्चों नूं वध चढ़ के इस स्कूल विच दाखिल कराउण, तां कि जो साडी जिहड़ी आपां सारा कुछ करन जा रहे हैं बच्चों वास्ते है वो इहदा पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके ते आण वाली पनीरी नूं इहदा पूरा पूरा फायदा। मैम जिहड़ा अज दा तुसीं इत्थे इकट्ठ कीता है ते बाहरों थोड़े कोल गैसट पहुँचे ने, इस बारे थोड़ी जानकारी दो सानूं। हाँ जी, साडे जिहड़े है NGO राउंड टेबल फाउंडेशन, उन मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की सी कि साडे स्कूल दे कुछ एक पछड़ा साडा कंढी इलाके दा स्कूल है कि इहदे लई कोई हैल्प करो जी, तो उन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान करदे होए बच्चों की गिणती पिछले साल नालों 100 दे करीब वध गई है ते सानूं कमरियां दी घाट महसूस हो रही सी, ते उन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान करदे होए 4 कमरे बनाउण दा जिहड़ा उन्होंने उपराला किया, तो अज असीं उन्हां 4 कमरियां दा भूमि पूजन करन जा रहे हैं। उन्हां दे नैशनल कन्वीनर श्री सुमित जी जिहड़े आ वो इत्थे साडे विचकार पहुँच गए हैं, असीं उन्हां दा भी अपने दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत करदे हाँ, तो होर आने वाले पतवंते सज्जनां दा जिन्ने भी जिहड़े साडे पहुँचे ने साडे रिक्वेस्ट ते सानूं साडा उन्होंने माण वधाया आके, मैं उन्हां दा भी अपने तह दिलों दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदी हाँ। साडे कमेटी चेयरमैन साहब राम लाल जी वह भी इत्थे उपस्थित ने, उन्हां दा भी असीं जिहड़ा जी आए आखदे हाँ उन्हां नूं भी, तो मैं इलाका निवासियों नूं यही अपील करांगी कि जदों एड्डी दूरों दूरों लोग सानूं हैल्प करन लई आ रहे ने तां असीं भी अपने बच्चों नूं इत्थे पढ़ाईए तां कि उन्हां सारियां चीज़ां दा पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। हाँ जी, मैं इकबाल कौर प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल खिजराबाद, मैं अपने स्टाफ दे अपने बिहाफ दे ते अपने पिंड अते अपने SMC दे मैंबरां वल्लों अज साडे NGO राउंड टेबल फाउंडेशन वाले उन्हां दे नैशनल कन्वीनर रचित जी उन्हां दा अपनियां दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत करदे हां, ते असीं उन्हां दा कोट कोट धन्नवाद करदे हां कि उन्हां ने साडे स्कूल दे विच 4 कमरे बनाउण दा बीड़ा चुक्या है, ते अज उस कमरियां दी शुरुआत दे लई असीं भूमि पूजन करवाण जा रहे हां, ते मैं अपने इलाका निवासियों वालों सब वालों उन्हां दा तहे दिल तो शुक्रिया गुजार करदी हाँ, ते उन्हां नूं जी आईआं आखदे हां, थैंक यू जी। मैं इकबाल कौर प्रिंसीपल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल खिजराबाद डिस्ट्रिक्ट मोहाली,
अपने स्टाफ वालों अपनी SMC कमेटी वालों NGO राउंड टेबल इंडिया दी टीम दा अपने दिल दियां गहराइयां तो स्वागत कर दियां, जिन्हां ने साडे स्कूल दे विद्यार्थियों की जरूरत नूं देखते हुए 4 कमरे बनाने दा बीड़ा चुक्या है। ते मैं अगों उम्मीद करदी हां कि अगों एवें ही साडे स्कूल नूं सहयोग दिंदे रहणगे। मैं नाल ही किंग्स 11 पंजाब की टीम का भी धन्यवाद करदी हां, जिन्हां ने कि इन्हां नूं इस काम दे लई सहयोग दिता। उन्होंने पंजाब विच होर भी स्कूल बनाए ने, इंडिया विच भी बनाए ने, ते बड़े नोबल कोज लई उन्होंने ये बीड़ा चुकया है। असी मैं इलाका निवासियों वालों अपने सरपंच मैडम वालों अगेन ते पिंड वालों उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी।